स्काई वेव प्रोपोगेशन। जो प्रोपोगेशन है अब 2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर आप ग्राउंड वेव पे भेजेंगे तो एनर्जी इसकी बहुत जल्दी लॉस हो जाएगी, बहुत सारे रीजन इसके होते हैं। तो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक इस बीच में ये प्रोपोगेशन हम करते हैं स्काई वेव यानी कि रेडियो वेव स्काई वेव के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसमीटर से हम भेजते हैं, रिटर्न होता है या आयनोस्फीयर से टकरा के, और हाइट उसकी करीबन इतनी होती है, देखिएगा कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये स्काई वेव हम इस तरीके से भेजते हैं। यहाँ पर आपका आयनोस्फीयर है, यहाँ पर आपको फ्री आयन्स मिल रहे हैं, इन आयनों से ये टकरा के ये वापिस आता है। तो रिसीवर जो है इस कारण से अच्छे खासे डिस्टेंस पे आप रख सकते हैं ताकि आपको यहाँ से जो रिसीविंग सिग्नल है वो मिल सके, जो सेंड सिग्नल है वो रिसीव कर सके। तो आयनोस्फीयर ये जो है आपका आयनोस्फीयर ये एक मिरर का काम कर रहा है, एक मिरर की तरह समझिए, जिससे ये टकरा के वापिस आ रही है रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से आपका आयनोस्फीयर है एक लेवल पे। जो गैसेस हैं, पहले आयनोस्फीयर की बात थोड़ा समझाता हूँ आपको कि जो गैसेस हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में और उनके अलग अलग कंपाउंड आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग हाइट पे, उनकी फिजिकल अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जब एनर्जी रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास सन की रेज आ रही है, कॉस्मिक रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है, एक्स रेज आ रही है, सन से आ रही है, स्टार से आ रही है, बहुत जगह से आ रही है। तो ये जो गैसेज हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं जब ये रेज अपने आप में लेती हैं, जब रेज इन पर पड़ती हैं, यहाँ पर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपके हैं ये मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं कि जो गैस आयनाइज हो गया इसका मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन्स में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ के जो आयन्स हैं, जो अर्थ एटमोसफेयर की बात कर रहा हूँ, जो आयनोस्फेयर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो लेयर है एटमोसफेयर का जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आयन मिलेंगे इसी को हम आयनोस्फेयर कहते हैं। ऐसा स्फीयर, ऐसी लेयर अर्थ की जहाँ पर आपको फ्री आयन्स मिल रहे हैं, राइट। तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग लेयर्स हैं, ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी क्या है गैस की उस जगह पे, इंटेंसिटी क्या है, रेडिएशन क्या मिल रहा है उसको, और किस किस गैस का आयोनाइजेशन हो रहा है। जरूरी नहीं हर गैस का आयोनाइजेशन हो जाए, किन किन गैस का आयोनाइजेशन हो रहा है अलग अलग रेडिएशन द्वारा। तो इसी कारण से अगर आप आयनोस्फीयर की बात करें तो डे टाइम में जो आयनोस्फीयर है उसमें 4 लेयर होती है, डी, ई, F1 और F2। डे टाइम में जो डी लेयर है वो करीबन 65 से 75 किलोमीटर होता है, ई लेयर करीबन 100 किलोमीटर, F1 करीबन 170 से 190 और F2 लेयर जो होता है वो आपको 250 से 400 किलोमीटर हाइट पे मिलेगा। लेकिन यहीं पे जैसी रात आएगी, अब रात में क्या है, सनलाइट तो आ नहीं रही है, इसका मतलब कुछ लेयर इसमें डिसअपियर हो जाती है, डी और ई लेयर तो खत्म ही हो जाती है, जबकि F1 और F2 लेयर ये आपस में मिल जाती है क्योंकि एब्सेंस है, सन है ही नहीं। मैं हमारी बात तो ये हो रही थी ना कि आयनोस्फीयर में कॉस्मिक रेज है, यूवी रेज, एक्स रेज है, वो आके आयनाइज कर रही है, जब ये हैंड है नहीं तो आयनोस्फीयर की लेंथ कम हो जाएगी, इसका मतलब आयनोस्फीयर की लेंथ घटती और बढ़ती रहती। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर एक लेयर में अलग होती है, ये समझना जरूरी है। तो जो रेडियो वेव्स है अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वो अलग अलग हाइट पे रिफ्लेक्ट होती है, अलग अलग डिफरेंट हाइट पे आयनोस्फीयर उनको वापस भेजता है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ गया और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक ये आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आती है। इसको हम किसी भी जगह पे जहाँ जहाँ पर आ रही है, जैसे मान लीजिए ये वाली की बात करें तो यहाँ पर रिसीवर लगाना पड़ेगा, यहाँ है तो यहाँ रिसीवर होगा, यहाँ होगा तो यहाँ रिसीवर होगा, यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पे आपको ये मिलेगी। लेकिन अगर आप 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर चले गए, मतलब फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गई, तो ये क्या होगा कि ये आयनोस्फीयर को ये रेज भेज देंगी और ये आगे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक जहां तक फ्रीक्वेंसी है वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, स्काई वेव्स का। 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो जो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव SW है, SW बैंड, शॉर्ट वेव बैंड, FM बैंड, ऐसे आपके रेडियो में होते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो आयनोस्फीयर या फिर स्काई वेव से ही होता है।